अटेंशन, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और जेई लाइफ की सारी नोटिफिकेशन पाएं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं गॉस लॉ के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस लॉ, जेई के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, या नीट के पर्सपेक्टिव से देख लीजिए, या मतलब किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देख लीजिए। गॉस लॉ काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है और गॉस लॉ के का ही एप्लीकेशन है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिलेंड्रिकल सिमेट्री, जैसे कि आपकी एक वायर हो गई, रॉड हो गई, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू ए शेल, जो भी स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो सारी चीजें हम लोग फाइंड कर सकते हैं गॉस लॉ के ही थ्रू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, गॉस लॉ के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो गॉस लॉ हमारा देता क्या है? सबसे पहले गॉस लॉ क्या करता है, अगर इस पे बात करें, मतलब गॉस लॉ है क्या, ठीक है, किस चीज को कनेक्ट करता है। बहुत बेसिक चीज है गॉस लॉ। जैसे मान लीजिए कि एक ये चार्ज है, ठीक है, क्यू, इसको इनक्लोज करता हुआ मैंने कोई सरफेस बना दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सरफेस के थ्रू क्या फ्लक्स होगा, तो आप बोलिएगा इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा बाहर, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि ठीक है, ई डॉट फ्लक्स हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, फ्लक्स इज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। तो आप बोलिएगा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम इंटीग्रेट कर देंगे इस पूरे एरिया के ऊपर और ये हमारा फ्लक्स दे देगा, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड को बढ़ा दूं, टू क्यू कर दूं यहाँ पे। तो अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर मैंने बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है वो बढ़ जाएगा और फ्लक्स आपका इस सर्फेस के थ्रू बढ़ जाएगा। तो मतलब किसी भी सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स जा रहा है, ठीक है, पास कर रहा है, और उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। अगर मैंने चार्ज बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है। तो गॉस लॉ इसी रिलेशन को बताता है कि किसी भी सरफेस के थ्रू क्या चार्ज है, सॉरी क्या फ्लक्स जा रहा है और उसके अंदर कितना चार्ज है, इसको रिलेट करता है, इसको कनेक्ट करता है, ठीक है। तो गॉस लॉ को हम लोग लिख सकते हैं, रिलेट्स द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस एंड द चार्ज enclosed within the surface। किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स है और उसके अंदर जो चार्ज है, इन दोनों को गॉस लॉ रिलेट करता है, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर हम बोले तो गॉस लॉ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, फ्लक्स जिसको कि हम फाइ से डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल टू चार्ज enclosed डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब इस चार्ज इंक्लोज्ड को हम लोग इस फ्लक्स को हम लोग इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर कुछ बातें समझने की हैं, जैसे कि ये हमारा गॉसियन सरफेस है, मान लीजिए ये जो इंक्लोज्ड सरफेस होता है और जो क्लोज सरफेस होता है, सॉरी, उसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने एक चार्ज रख लिया, ठीक है, तो जो भी यहां से इस चार्ज की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन होगी, जिसकी वजह से फ्लक्स होगी, ठीक है, तो ये गॉस लॉ फ्लक्स को और चार्ज इंक्लोज्ड को इक्वेट करेगा और रिलेट करेगा, ठीक है। फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इंक्लोज, ठीक है, और इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी इज चार्ज इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां पे ये जो चार्ज है, दैट इज द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस
both inside and outside. ये जो electric field है, that is the electric field due to all the charges both inside and outside. और ये जो charge है, ये बस वही charge है जो कि Gaussian surface के अंदर हमारा है, ठीक है? और इस charge को sign के साथ पे रखना है. अगर positive charges बहुत सारी हैं, तो positive sign के साथ रखना है. Negative charges हैं, तो negative sign के साथ रखिएगा. Has to be substituted with sign. एक बात और यहां पे हम लोग नोट कर लेते हैं कि ये तभी वैलिड है जब ये चार्ज जो है ये वैक्यूम में प्लेस्ड है या एयर में प्लेस्ड है. मान लीजिए अगर ये चार्ज किसी मीडियम में प्लेस्ड है तो ये गॉस लॉ आपका वैलिड नहीं है, ठीक है? तो एक नोट बना लेते हैं यहां पे हम लोग. अगर मान लीजिए कि ये जो चार्ज क्यू है आपका, ये एयर में प्लेस नहीं है, वैक्यूम में प्लेस नहीं है, ये किसी मीडियम में है, ठीक है? तो गॉस लॉ वैलिड, ये एक्सप्रेशन आपका वैलिड नहीं होगा. तो फिर क्या वैलिड होगा ये एक बार देख लेते हैं. तो इफ चार्ज इज प्लेस्ड इन मीडियम, तब आपको करना क्या है कि यहां पे सारा नॉट जो हम लोग यूज कर रहे थे, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो अगर ये चार्ज वैक्यूम में था तो वैक्यूम का जो परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट, वो यूज कर रहे थे हम लोग, ठीक है? तो अगर ये चार्ज किसी मीडियम में होगा तो हम लोग जो उस मीडियम का परमिटिविटी होगा वो यूज करेंगे. तो किसी भी मीडियम का जो परमिटिविटी होता है वो होता है के टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ई नॉट हैज टू बी रिप्लेस्ड विथ K epsilon naught. यहाँ पे K आपका है, that is relative permittivity या dielectric constant भी इसको हम लोग बोलते हैं. तो यहां तक तो आप समझ गए. इस पॉइंट पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि हमने एक डायग्राम दे दिया आपको कि ये एक मान लीजिए हमारा गॉसियन सर्फेस है, क्लोज सर्फेस है, ठीक है? इसके अंदर हमने चार्ज दिया Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, बाहर दो चार्ज हमने रख दिया Q4 एंड Q5, एक पॉइंट P हमने यहां पे ले लिया. अब मेरा क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि फ्लक्स क्या होगा यहां पे, इस क्लोज सरफेस के थ्रू क्या फ्लक्स होगा, ठीक है? तो आप बोलिएगा द फ्लक्स इज नथिंग बट चार्ज इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो क्या इंक्लोज्ड चार्ज है? Q1 माइनस Q2 प्लस Q3. तो अगर आपको फ्लक्स पूछूं तो आप बोलिएगा Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गए हमारी फ्लक्स, ठीक है? अब मैं पूछूं दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज द फील्ड ड्यू टू विच चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज ड्यू टू विच चार्ज. कुछ ऑप्शन भी मान लीजिए मैं दे देता हूं. क्यू वन माइनस क्यू टू प्लस क्यू थ्री चार्ज मीन्स ऑल द इनक्लोज चार्जेस. क्यू वन प्लस क्यू फोर which is both the or all the outside charges. तीसरा ऑप्शन दे देता हूं all of the charges. तो इसकी क्या आंसर होगी और कैसे, ठीक है? तो जैसे कि हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा आ रहा है इस गॉस लॉ के एक्सप्रेशन में, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड. तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे होगा ये सारे चार्ज की वजह से होगा. और ऑब्वियसली होना भी चाहिए ना. जैसे मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने को बोलूं तो आप बोलिएगा क्यू वन अगर मान लीजिए यहां पे, तो क्यू वन की वजह से यहां पे होगा, ठीक है? क्यू टू मान लीजिए यहां पे, तो क्यू टू की वजह से फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है. क्यू थ्री मान लीजिए यहां पे, तो क्यू थ्री की वजह से आपका इस डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है? क्यू फाइव की वजह से भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ ऐसे. Q4 की भी वजह से कुछ होगा आपका, ठीक है? तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पे होगा दैट वुड बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर सम होगा वो होगा हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ये सारे चार्ज की वजह से है, और सिर्फ फ्लक्स की मैं बात करूं तो वो सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की वजह से है. तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? तो मैं इस पर थोड़ा सा और डिस्कशन अभी करता हूं. जैसे कि इसी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं थोड़ा. जैसे किसी ने मुझे
जैसे मैं क्लास में ऐसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था, तो किसी ने बोला सर मान लीजिए कि यहां पे आप Q5 अभी रखा हुआ है, ठीक है, तो अभी फ्लक्स क्या है? तो अभी फ्लक्स की बारे में बात करेंगे तो हम बोल देंगे नेट चार्ज इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये है हमारा अभी फ्लक्स, ठीक है, ठीक है। तो मतलब ई डॉट डी एस जो भी है हमारा वो है आपका ये, ठीक है। अगर Q5 हम मान लीजिए हटा लेते हैं, Q5 मान लीजिए यहां पे नहीं है, हम हटा लेते हैं, ठीक है, तो फ्लक्स क्या होगा? तो फ्लक्स फिर से वही होगा, चार्जिंग क्लोज तो चेंज हो नहीं रहा है, तो फ्लक्स तो फिर से वही होगा, ठीक है। तो अब उसने बोला कि चाहे Q5 रहे या ना रहे, फ्लक्स तो आपका सेम है, सही बात है, फ्लक्स सेम है क्योंकि चार्जिंग क्लोज सेम है, फ्लक्स सेम है मतलब ई डॉट डी एस सेम है, ई डॉट डी एस इज सेम चाहे Q5 रहे चाहे ना रहे, ठीक। अब ई डॉट डी एस सेम है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम चाहे चार्ज रहे, Q5 रहे चाहे ना रहे, मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये Q5 के रहने या ना रहने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड Q5 की वजह से कैसे हुई? अगर Q5 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी इज ड्यू टू ऑल ऑफ द चार्जेस, ठीक है, तो अगर Q5 को हटा लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉइंट पी पे चेंज कर जाना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे चेंज तो कर नहीं रहा है, वही है। तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल ऑफ द चार्जेस? काफी अच्छा डाउट था उसका। अब देखिए इसने क्या किया, बोला कि भैया Q5 रहे चाहे ना रहे फ्लक्स सेम होगा, फ्लक्स सेम होगा मतलब E डॉट ds सेम होगा मतलब E सेम होगा, ठीक, E सेम होगा मतलब चाहे Q5 रहे ना रहे इलेक्ट्रिक फील्ड को फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब ये Q5 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, अब मान लीजिए कि मैं एक फिगर बनाऊं ऐसे, एक बाहर चार्ज ले लूं Q1, एक पॉइंट P यहां पे ले लूं, एक दूसरा फिगर बना लूं मैं, यहां पे चार्ज रख दूं Q1, यहां पे चार्ज रख दूं Q2, एक पॉइंट P बना लूंगा, यहां पे मैं बोलूं क्या फ्लक्स है, तो आप बोलिएगा नेट चार्ज इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज तो इसके इंक्लोज है ही नहीं, इसके अंदर कुछ तो फ्लक्स हो जाएगा जीरो। तो मतलब अगर मैं पूछूं ई डॉट डी एस फिर क्या होगा, तो या ई डॉट डी ए, तो फिर आप बोलिएगा फ्लक्स जीरो मतलब ई डॉट डी ए जीरो, ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहां पे आते हैं, यहां पे फिर मैं पूछूं फ्लक्स क्या है, तो आप फिर से बोलिएगा चार्ज इसके अंदर कुछ नहीं है तो फ्लक्स होगा जीरो, तो मैं फिर से बोलूंगा ई डॉट डी ए भी फिर जीरो होगा, बिल्कुल सही बात है, ई डॉट डी ए भी जीरो होगा। अब देखिए अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी ए जीरो है, तो अगर मैं ये बोलना चाहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फिर जीरो होगा तो क्या सही है? ऑब्वियसली नहीं सही है, क्योंकि अगर ये Q1 है तो इस Q1 की वजह से कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस राइट ई डॉट डी ए जीरो, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो, तो ये एक्सप्रेशन आपका गलत है, ठीक है, ठीक है। फिर भी यहां तक हम लोग नहीं पहुंचे, इस पर अब एक बार इस पर डिस्कस करते हैं। ई डॉट डी ए हमारा जीरो यहां भी है, E dot da हमारा यहां जीरो यहां भी है, ठीक है। तो क्या इसका ये मतलब है कि दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P सेम है? मतलब हम ये बोल रहे हैं कि E dot da तो सेम है इन दोनों केसेस में, यहां जो E dot da और यहां जो E dot da सेम है, इसका मतलब अगर इस ये लॉजिक अगर करेक्ट होता हमारा, तो अगर E dot ds आपका सेम है, ds सेम है, यहां पे सरफेस एरिया को s से डिनोट कर रहे हैं, जो ये कि हम बस a से यहां डिनोट कर रहे हैं, तो a और s इंटरचेंज करते रहेंगे हम लोग, मतलब एक ही है दोनों का, ठीक है। तो E dot ds उसने लॉजिक ये दिया कि E dot ds सेम है, चाहे Q5 रहे चाहे ना रहे, E dot ds आपका सेम है, तो इसका मतलब E सेम है, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए इन दोनों जगहों पे E dot ds सेम है, तो क्या इसका मतलब E सेम है? बिल्कुल नहीं। इस चार्ज Q1 की वजह से यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, और इस Q2 की वजह से यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट P पे होगी वो, और यहां पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, ये दोनों ऑब्वियसली अलग अलग है, ठीक है। तो E dot da सेम हो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, तो मतलब ये जो उसने लॉजिक दिया था ये लॉजिक गलत है। यहां तक वो सही था कि Q5 को रखे चाहे ना रखे फ्लक्स सेम है, फ्लक्स सेम है मतलब E dot da सेम है, यहां तक वो सही था। उसके बाद E dot da सेम है, यहां से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी सेम होगी, जिसको कि हमने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो बस याद ये रखना है कि गॉस लॉ से हमारा फ्लक्स को और चार्ज को कनेक्ट करता है, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, और E dot da इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, और जो चार्ज वहां पे क्यू इंक्लोज दैट इज ओनली ड्यू टू द इनसाइड चार्ज। तीसरी चीज जो ये थी कि अगर ये तभी वैलिड है जब ये एयर में प्लेस होगा चार्ज, अगर ये किसी मीडियम में होगा तो हम लोग बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ E dot da इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाई के एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग k से मल्टीप्लाई कर देंगे या k एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस कर देंगे। तो ये था हमारा गॉस लॉ का पूरा डिस्कशन, ये कैसे मैथमेटिकली कनेक्टेड है फ्लक्स और चार्ज।
अब इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन, अब इसकी एप्लीकेशन ही है जिसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे किसी रॉड पे, स्फेयर पे, शेल पे। तो उससे पहले लेकिन हमने जो ये भी गॉस लॉ पढ़ा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपकी जो गॉस लॉ की अंडरस्टैंडिंग है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पे बात करेंगे, जो भी या फिर एप्लीकेशन है गॉस लॉ पे उस पर बात करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि बेस्ड है हमारा गॉस लॉ से रिलेटेड जितनी भी सारी बातें हमने पढ़ी उन पे। तो एक करके सारे पॉइंट्स को देखते हैं, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें, गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो गॉस लॉ के लिए जरूरी है कि क्लोज सर्फेस होना चाहिए। क्लोज सर्फेस सिमेट्रिकल हो या ना हो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे ये क्लोज सर्फेस हमारा ऐसे हो सिमेट्रिकल हो, ठीक है, या फिर हमारा कुछ भी ऐसे हो, जब तक ये क्लोज्ड है गॉस लॉ हमारा वैलिड है, ठीक है। सिमेट्रिकल हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ऑप्शन आपकी है गलत। गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम, ये सही है। इस पर हमने डिस्कस भी किया है कि अगर चार्जेस वैक्यूम में हो तभी गॉस लॉ हम लिख सकते हैं नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। वैसे हमने इसको मॉडिफाई करके बताया था कि अगर वैक्यूम में ना हो तो किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग इक्वेशन को ताकि गॉस लॉ का यूज कर पाए। लेकिन जो गॉस लॉ की ओरिजिनल इक्वेशन है, ठीक है, वो हमारी वैक्यूम में ही वैलिड है। तो ये हमारा है सही। थर्ड बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड बाय गॉस लॉ इज अ फील्ड ड्यू टू द चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड बाय गॉस लॉ इज अ फील्ड ड्यू टू द चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट हो रही है गॉस लॉ से, जब हम लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। So this electric field is due to all the charges, not only due to the charges inside the Gaussian surface. So ये third आपकी है wrong. Outside charges contribute to the flux through the closed surface. नहीं, ये भी wrong है। अच्छा, इसी की वजह से क्यों होता है कि ये जो electric field है ये सारे charges की वजह से होती है। जैसे कि आप ये समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लीजिए हमारा एक charge है यहाँ पे Q1 जो अंदर है, Q2 भी अंदर है, Q3 एक हमारा बाहर है। तो अगर मैं फ्लक्स निकालने की बात करूं तो Q2 की वजह से जो भी फील्ड लाइन होगी वो आपकी इस क्लोज सरफेस से सिर्फ और सिर्फ बाहर ही जा रही होगी। कोई भी फील्ड लाइन Q2 की वजह से अंदर नहीं आ रही होगी। तो हम बोल सकते हैं कि Q2 की वजह से नेट फ्लक्स जो है वो है, ठीक है, और वो पॉजिटिव है या आउटवर्ड फ्लक्स है। सिमिलरली अगर मैं Q1 की बात करूं, मान लीजिए यहां पर, ठीक है, तो या मान लीजिए नेगेटिव Q1 है, तो इससे हम फील्ड लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अंदर के डायरेक्शन में, ठीक है, कुछ इस टाइप से इस पे फील्ड लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। तो अगर हम बोलूं कि Q1 की वजह से फ्लक्स क्या, तो आप बोलेगा नेट फ्लक्स है और वो निगेटिव है, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो अंदर के डायरेक्शन में फ्लक्स है, बट नेट फ्लक्स है हमारी, ठीक है। अब मैं पूछूं Q3 की वजह से इस क्लोज सर्फेस में क्या फ्लक्स होगा, ठीक है, तो Q3 की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो आप कुछ इस तरह से ड्रॉ कीजिएगा अवे फ्रॉम इट, ठीक है। तो अब देखिए ज्यादातर तो फील्ड लाइन यहां से क्रॉस ही नहीं कर रही है। एक फील्ड लाइन जो आपकी क्रॉस कर भी रही है वो पहले अंदर गई और फिर बाहर भी निकल गई, तो नेट फ्लक्स क्या हुआ, जीरो हो गया। जो फील्ड लाइन आपकी अंदर गई वही फील्ड लाइन आपकी बाहर भी आ गई, ठीक है, तो नेट फ्लक्स जो है हमारा वो है हमारा जीरो। तो चाहे आप कैसे भी ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, अगर ये अंदर जाएगा तो कहीं ना कहीं से बाहर भी निकलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आउटसाइड चार्जेस फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, आउटसाइड चार्जेस फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ये बस इनसाइड चार्जेस हैं जो कि फ्लक्स में आपको कंट्रीब्यूट करेंगे। तभी जब हम लोग लिखते हैं गॉस लॉ ई डॉट डी इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो ये या फिर हम लिखते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जब हम फ्लक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो हम सिर्फ अंदर वाले चार्जेस को लेते हैं क्योंकि आउटसाइड चार्जेस तो वैसे भी फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन अंदर जाएगी उतनी ही बाहर भी आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जब हम लोग फ्लक्स लिखते हैं तो चार्ज इनक्लोज्ड सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की बात करते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं इस Q3 की वजह से क्या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिल्कुल होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से क्रॉस कर रही है। तो जब हम इसी फ्लक्स को इंटीग्रल ऑफ E डॉट D लिखेंगे तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट वुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, क्योंकि इस Q3 की वजह से भी हर पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, ठीक है। बस ये क्या है कि फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। तो जब फ्लक्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज की वजह से होगी, और जब हम लोग इसी फ्लक्स को
चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो ये बस हमारी अंदर वाली चार्जेस होगी, ठीक है। तो आउटसाइड चार्जेस फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, तो आपका ये वाला जो फाइनल आंसर फोर्थ ऑप्शन था ये भी आपके रॉन्ग हो गए, तुम्हारी सेकंड ऑप्शन जो है वो हो जाएगी करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सर्फेस इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो, मे बी जीरो एवरीवेयर ऑन द सर्फेस, चार्जेस इनसाइड द सर्फेस मस्ट बी जीरो एंड चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ द सर्फेस मस्ट बी जीरो, ठीक है। एच सी वर्मा का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, मतलब कुछ ऐसा टफ नहीं है बट कॉन्सेप्चुअल है। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सर्फेस इज जीरो, मतलब अगर फ्लक्स आपकी जीरो है तो फ्लक्स तो होता है चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारी जीरो है। तो अगर फ्लक्स आपकी जीरो है इसका मतलब तो ये कि चार्ज इनक्लोज जीरो होना ही होना है, ठीक है। तो चार्जेस इनसाइड द सर्फेस मस्ट बी जीरो, ये तो करेक्ट है, ठीक। और अगर फ्लक्स जीरो है तो फ्लक्स को हम लोग गॉस लॉ से लिख सकते हैं, आई मीन नॉट गॉस लॉ, फ्लक्स का डेफिनेशन से लिख सकते हैं ई डॉट डी एस, ये जीरो, ठीक है। तो अगर फ्लक्स जीरो मतलब इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस जीरो, इसका मतलब क्या लोग बोल सकते हैं कि ई जीरो होगा, ई डॉट डी एस जीरो हो तो नहीं बोल सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है। E dot ds जीरो है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। तो फ्लक्स जीरो है मतलब इंटीग्रल ऑफ E dot ds जीरो है, बस यहीं तक, इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है नहीं है वो हम सिर्फ ये टोटल टर्म जीरो हो उससे हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कैसे हो सकता है नहीं हो सकता, देखिए मान लीजिए कि ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ठीक है, यहां पे हमारी चार्ज है Q1। अगर पहली बात तो ये कि फ्लक्स जीरो है क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है, तो मतलब इनसाइड तो चार्ज हो ही नहीं सकता है, नंबर वन, चार्ज इनक्लोज तो जीरो होना ही होना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चार्ज दे दिया, अब हम पूछे यहाँ पॉइंट पी पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब हम क्या किए, यहाँ पे एक दूसरा ड्रॉ कर लिए, ठीक है, अब फिर से यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लिए, और यहाँ पे अब हमने कोई चार्ज नहीं लिया, ना अंदर ना बाहर, अंदर तो खैर हम ले भी नहीं सकते हैं यहाँ पे क्योंकि फ्लक्स जीरो है, बाहर भी हमने कोई चार्ज नहीं लिया। अब हमने पूछा पॉइंट पी पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप बोलिएगा जीरो है क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है। तो अगर फ्लक्स जीरो है मतलब कि अंदर में कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, बाहर हो सकता है नहीं भी हो सकता है, अगर बाहर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर बाहर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो एवरीवेयर ऑन द सर्फेस, ये गलत है, इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी जीरो हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो मे बी जीरो आपका करेक्ट है, ठीक है। चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ द सर्फेस मस्ट बी जीरो, फ्लक्स जीरो का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि अंदर चार्ज नहीं है, बात खत्म, इसके आगे कुछ नहीं, बाहर है नहीं है ये हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ द सर्फेस मस्ट बी जीरो, गलत है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अगर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और अगर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था जिसमें कि आपका बी और सी आपकी करेक्ट होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारा एक कंडक्टिंग सर्फेस दी हुई है और एक गॉसियन सर्फेस या एक क्लोज सर्फेस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। एक पॉइंट पी है बगल में कंडक्टिंग सर्फेस के बगल राइट में, जहां पे हम एक प्लस क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं, पहले यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, अब हमने क्या किया, एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे ले आए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्लोज सर्फेस, ये जो हमारी क्लोज सर्फेस है इससे फ्लक्स क्या होगा, इस चार्ज को जब हम लेकर के आए इस पॉइंट पे तो यहाँ पे फ्लक्स इस क्लोज सर्फेस के थ्रू क्या फ्लक्स होगा, विल रिमेन जीरो, विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव, अनडिफाइंड। सबसे पहले तो जब ये यहाँ पे नहीं था चार्ज, ठीक है, तो इस क्लोज सर्फेस के थ्रू क्या फ्लक्स थी, तो गॉस लॉ का यूज करते हैं हम लोग, बोलेंगे फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इनिशियली तो यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं था, ठीक है, तो फ्लक्स जीरो थी। अब जब हम ये चार्ज को यहाँ पे ले आए तो क्या फ्लक्स होगा नहीं होगा क्या है, तो ऐसे देखें तो लगता है कि जब ये चार्ज को हम लोग यहाँ पे ले आए तब भी इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज इनक्लोज्ड हमारा जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो होना चाहिए ऐसा लगता है, ठीक है, पहली बार देखने पे। लेकिन थोड़ा सा केस यहां पे समझना पड़ेगा हमको, देखिए होगा क्या, ये कंडक्टिंग सरफेस है तो जैसे ही हम प्लस क्यू चार्ज यहां पे लाए तो इंडक्शन होगा और इंडक्शन की वजह से निगेटिव चार्जेस इस साइड आ जाएंगे आपके, ठीक है, और पॉजिटिव चार्जेस ऑपोजिट साइड चले जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इस कंडक्टिंग या इस क्लोज सरफेस के थ्रू अगर आप बात करें तो यहां पे हमारी नेट चार्ज हो जाएगी, ठीक है।
तो अगर हम बात करें व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड दिस क्लोज सर्फेस, तो आप बोलिए कुछ ना कुछ चार्ज तो है यहाँ पे, ठीक है। तो और वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है तो हमारी फ्लक्स भी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में इसके अंदर पहले कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही हम इस प्लस चार्ज को लेकर के आए इंडक्शन होगा, जिसकी वजह से निगेटिव इस साइड पॉजिटिव इस साइड, ठीक है। तो इसके अंदर अब नेट चार्ज हो गई, इसकी वजह से फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब फेस फॉर्मिंग दैट कॉर्नर ईच ऑफ द अदर फेसेस, ठीक है। तो एक क्यूब है हमारे पास, उसकी एक कॉर्नर पे हमने एक चार्ज रख दिया, ठीक है। और ये पूछा जा रहा है कि ईच क्यूब फेस फॉर्मिंग दैट कॉर्नर, मतलब उस कॉर्नर को बनाते हुए जितनी भी फेसेस हैं जो कि उस कॉर्नर को बना रही हैं, ठीक है, उनसे कितना फ्लक्स पास होगा और अदर फेसेस से कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझिए कि अगर एक क्यूब के कॉर्नर पे अगर हम चार्ज रख रहे हैं, तो चार्ज का कितना पार्ट उस क्यूब के अंदर है, क्योंकि फ्लक्स इज नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आप इमेजिन कीजिए एक क्यूब है, एक कॉर्नर पे बड़ा सा स्फेरिकल, मान लीजिए बड़ा सा स्फेरिकल चार्ज है आपके पास, ठीक है, वो कॉर्नर पे रख दिए, ठीक है। तो उस एक बड़ा सा स्फेयर है मान लीजिए, ठीक है, जिस जो कि चार्ज है वो उसके कॉर्नर पे रख दिए, तो अब उसका कितना पार्ट इस क्यूब के अंदर है। जैसे मान लीजिए कि ये, इसको आप मान लीजिए कि ये क्यूब है, ठीक है, क्यूबिकल शेप में, ठीक है। यहाँ पे इस कॉर्नर, मान लीजिए कॉर्नर है, यहाँ पे एक बड़ा सा चार्ज रख दिए, कितना पार्ट इसके अंदर होगा। कुछ पार्ट तो यहाँ पे एक और क्यूब हम बना सकते हैं, ठीक है, बगल वाला क्यूब, ठीक है, कुछ पार्ट इधर आ जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ पे भी क्यूब होगा जिसके अंदर, अगर ये बड़ा सा स्फीयर यहाँ पे रख रहे हैं तो कुछ पार्ट इधर आगे की तरफ भी निकला हुआ होगा जो कि इधर आ जाएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे वैसे ही क्यूब मान लीजिए, ठीक है, तो इसमें होगा और कुछ पार्ट इस क्यूब में होगा, ठीक है। तो ये चार नीचे हो गया, अब ये बड़ा सा घर है तो वही चार, सेम चार आप ऊपर की तरफ भी बोल सकते हैं। तो टोटल अगर आप एक कॉर्नर पे रख रहे हैं, तो अगर एक कॉर्नर पे चार्ज क्यू रख रहे हैं, एक बड़ा सा स्फीयर रख रहे हैं, तो उसका 1/8 पार्ट ही उस क्यूब के अंदर होगा। एक पार्ट आपका इस बगल वाले क्यूब पे होगा, एक पार्ट इस बगल यहाँ पे कुछ निकला होगा, कुछ पार्ट यहाँ पे निकला होगा, ठीक है, और चार वैसे ही ऊपर, ठीक है। तो आपका अगर चार्ज क्यू रख रहे हैं तो क्यू बाई 8 ही उस क्यूब के अंदर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए पार्ट सबसे पहले तो बोल सकते हैं टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब वुड बी चार्ज इंक्लोज्ड होगा क्यू बाई 8 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका टोटल फ्लक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए कि टोटल फ्लक्स तो निकल गया, अब ये फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किससे पास कर रही है। मान लीजिए ये रूम है आपका, एक क्यूब है, ठीक है, कुछ चार्ज आपके रूम के एक कॉर्नर पे है, ठीक है, आप अपना रूम देख सकते हैं, आप जहां भी बैठे हैं उस रूम को देखिए, एक कॉर्नर पे देखिए और वहां पे एक चार्ज को एज्यूम कीजिए, ठीक है। अब वहां से आप मान के चलिए कि कुछ रेज निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही है, तो अब उस कॉर्नर को, जो भी कॉर्नर आप अभी देख रहे हैं, उस कॉर्नर को बनाने के लिए तीन प्लेन्स मिल रही होंगी, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां से रेडियली आउटवर्ड निकलेगी, वो क्या उस प्लेन्स को जो उस कॉर्नर को बना रही है उसको इंटरसेक्ट करेगी, नहीं करेगी, वो उस प्लेन के पैरेलल ही जाएगी, ठीक है। और बाकी तीन और प्लेन्स होंगे जो जिसके सामने, जो उस कॉर्नर के सामने होंगे और या जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो आप जिस भी कॉर्नर को देख रहे हैं, ठीक है, अपने सामने, उसके ऑपोजिट में तीन आपके प्लेन्स होंगे और तीन साइड होगी जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो उस कॉर्नर से निकल रही है वो पास करेगी, ठीक है। और जो तीन प्लेन आपके उस कॉर्नर को बना रहे हैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये जो टोटल फ्लक्स हमें पूछा जा रहा है, फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन, तो ये जो ईच क्यूब फेस फॉर्मिंग दैट कॉर्नर, तो जो भी उस कॉर्नर को बना रहा है, जो तीन आपकी क्यूब फेसेस हैं, उनसे कितनी फील्ड लाइन पास करी, पास करना मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल नहीं, इंटरसेक्ट, ठीक है। तो कोई भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप पार्ट एक आंसर हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब ईच ऑफ द अदर फेसेस, अब ये जो टोटल आपकी फ्लक्स निकली, इतनी फ्लक्स मतलब इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है आपके पास क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ये उन तीनों से पास कर रही है, 1/3 आपकी जो आपकी एक प्लेन से पास कर रही होगी, 1/3 दूसरे प्लेन और 1/3 तीसरे प्लेन से, तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन या फ्लक्स है वो है क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, तो किसी भी एक से कितनी पास करेगी, 1/3 ऑफ दिस, तो पार्ट बी का आंसर हो जाएगा 1/3 ऑफ क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। छह साइड होंगी हमारे क्यूब में, तीन से कुछ नहीं पास करेगा जो इस कॉर्नर को बना रहे होंगे, और जो बाकी तीन है उन्हीं से पास करेगी, ठीक है। तो जो टोटल फ्लक्स है उसको 3 से डिवाइड कर लीजिए और आपकी क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी आंसर हो जाएगी पार्ट बी की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक वेसल दिया हुआ है,
थोड़ा इरेगुलर शेप है इसका और एक सर्कुलर माउथ है जिसकी रेडियस है आर और एक पॉइंट चार्ज क्यू है जो कि इस माउथ के सेंटर से एच डिस्टेंस नीचे प्लेस्ड है और ये एच दिया हुआ है रूट थ्री टाइम्स आर। अब ऑब्वियसली ये अगर चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो फ्लक्स भी होगी। तो हमें ये फाइंड करना है फ्लक्स थ्रू द लैटरल सर्फेस, लैटरल सर्फेस मतलब ये जो कर्व्ड सर्फेस है उसके थ्रू फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक क्लोज सर्फेस है तो हम लोग गॉस लॉ लगा सकते हैं और हम लोग बोल सकते हैं द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस इंटायर सर्फेस क्लोज सर्फेस दैट इज चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले तो ये बोल सकते हैं कि टोटल फ्लक्स जो है आपकी यह है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो मान लीजिए इस चार्ज से 100 फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो उस 100 में से कुछ फील्ड लाइन इसके थ्रू पास कर रही होगी कैप के थ्रू और बाकी जो है ये कर्व्ड सरफेस जो है इसके थ्रू पास कर रही होगी। तो जो टोटल फ्लक्स है उसको हम लोग लिख सकते हैं फ्लक्स थ्रू दिस कैप, ये जो कैप है इससे कुछ फील्ड लाइन पास कर रही होगी और कुछ बाकी जो बची वो आपकी कर्व्ड सरफेस से या फिर लैटरल सरफेस से, ये आपकी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। तो हमें फाइंड करना है फ्लक्स थ्रू द लैटरल सरफेस। अगर हम कैप के थ्रू फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमें फ्लक्स थ्रू लैटरल सरफेस आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैप के थ्रू फ्लक्स को कैसे फाइंड करें। सबसे पहले ये देखिए कि मान लीजिए कि आपके पास एक स्फीयर हो और स्फीयर के सेंटर पे आपने चार्ज रख दिया। तो अब अगर ये बोला जाए कि इस स्फीयर से कितनी फ्लक्स होगी तो आप आराम से बोल दीजिएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ से। अब मान लीजिए यहां पे आपकी एक कैप थी, ठीक है, और मैं पूछूंगी इससे कितनी फ्लक्स होगी। अच्छा उससे पहले ये देखिए, मान लीजिए कि इस स्फीयर से 100 फील्ड लाइंस निकल रही है। अब मैं बोलूं कि इसको छुपा लेता हूं, बोलो हेमिस्फीयर से कितनी निकलेगी, तो आप बोलिएगा स्फीयर से 100 निकल रही है तो हेमिस्फीयर से 50 निकलेगी हाफ, ठीक है। अब मैं बोलूं क्वार्टर ऑफ ए स्फीयर से कितनी निकलेगी तो आप बोलिएगा 25। तो ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, एंगल पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इस टोटल स्फीयर से अगर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है तो अगर यहाँ पे एक छोटा सा कैप है मान लीजिए तो इससे जो है ये जितना भी एंगल होगा उसी रेशियो में आपकी फ्लक्स निकलेगी। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये आपकी थ्री डायमेंशनल फिगर है, तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये टू डायमेंशनल एंगल नहीं है, ये आपकी थ्री डायमेंशनल एंगल है, ठीक है, सॉलिड एंगल है। तो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट हमने एक अलग से वीडियो बना के डिस्कस किया था जिसका की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग आई बटन क्लिक करके सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट देख लें, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो अगर हम इसका सॉलिड एंगल निकाल लेते हैं और हमें ये पता हो कि स्फीयर की सॉलिड एंगल क्या है तो उसी रेशियो में डिवाइड करके हम लोग टोटल फ्लक्स थ्रू द कैप निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं कैप की बात करूं तो सॉलिड एंगल के लिए हम लोग पहले ये हाफ एंगल थीटा निकालते हैं और ये था आपका आर और ये है मेरा एच। और सॉलिड एंगल जो होता है वो होता है 2π × 1 − cos θ। तो यहां पे कॉस थीटा आपकी क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस, एच बाय रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। तो एच दिया हुआ है रूट थ्री आर, तो यहां पे हम लोग रूट थ्री आर सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। सो 2π × 1 − यहां पे हो जाएगा रूट थ्री आर, थ्री आर स्क्वायर प्लस आर फोर आर स्क्वायर दैट इज 2r और यहां पे रूट थ्री आर, सो यू विल गेट 1 − √3/2। ये हो जाएगा सॉलिड एंगल जो कि ये चार्ज सबटेंड कर रहा है इस कैप पे, ठीक है। और एक स्फीयर की सॉलिड एंगल होती है 4π। प्रीवियस वीडियो जो हमने सॉलिड एंगल पे बनाई है उसमें ये सारी चीजें बहुत आराम से एक्सप्लेन की गई हैं। आप एक बार प्लीज उस वीडियो को देखिए, आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कैसे 2π × 1 − cos θ हुआ, कैसे स्फीयर की 4π होती है सॉलिड एंगल, ठीक है। तो फिलहाल स्फीयर की सॉलिड एंगल 4π है, तो 4π सॉलिड एंगल से, 4π सॉलिड एंगल से जो फ्लक्स है वो है q/ε₀। तो इस सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स होगा, 2π × 1 − √3/2। इस सॉलिड एंगल से क्या होगा, q/ε₀ / 4π × this 2π × 1 − √3/2।
2. So you will get q by 2 epsilon naught into 1 minus root 3 by 2. ये हो जाएगा flux आपका through the cap. तो अब हमें निकालना था flux through the lateral surface. ठीक है, तो बहुत आसानी से अब हम लोग लिख लेंगे. Flux through lateral surface is equal to q by epsilon naught minus flux through cap, जो कि हमारा यहाँ पे ये निकला है, minus q by 2 epsilon naught 1 minus root 3 by 2. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी q by epsilon naught अगर आप common ले लीजिएगा तो आपकी आ जाएगी 1 minus 1 by 2 plus root 3 by 4. 1 minus 1 by 2 minus minus plus root 3 by 4. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए. 1 minus 1 by 2 is 1 by 2, तो आप q by 2 epsilon naught common ले लीजिए, 2 भी बाहर ही ले लीजिए, तो आपका आ जाएगा 1 plus root 3 by 2. ठीक है, ये आपकी आ जाएगी फाइनल आंसर. ठीक है, तो करना कुछ ज्यादा नहीं था. टोटल ये अगर क्लोज सरफेस है तो इससे फ्लक्स होगी q by epsilon naught, कुछ इसमें से कैप के थ्रू पास कर रही होगी, कुछ लैटरल सरफेस के थ्रू पास कर रही होगी. ठीक है, तो अब हमें बस कैप के थ्रू हम निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि कैप पे ये कितना सॉलिड एंगल ये चार्ज आपका सबटेंड कर रहा है, ये हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. 2 pi into 1 minus cos theta. ठीक है, तो एक पूरे स्फेयर के थ्रू, ठीक है, पूरे स्फेयर के थ्रू बात करें तो 4 pi सॉलिड एंगल, उस पे हमारा जो फ्लक्स है वो है q by epsilon naught, तो 4 pi पे q by epsilon naught है, तो इस पे कितना होगा, यूनिटरी मेथड से निकाल ली, और जैसे ही हमने निकाल लिया उसको फ्लक्स थ्रू कैप में सब्स्टिट्यूट कर दिया और आपकी फ्लक्स थ्रू लैटरल सरफेस यहां पे हमारी ये आंसर आ गई. ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं. ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ बेसिकली से रिलेटेड कर चुके हैं. ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे गॉस लॉ को हम लोग अप्लाई करते हैं और किस तरह से गॉस लॉ को अप्लाई करके हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सॉलिड सिलेंडर के थ्रू, हॉलो सिलेंडर के थ्रू, शेल के थ्रू और शेल के किसी पॉइंट पे, या शेल के बाहर, शेल के अंदर, सॉलिड स्फीयर के बाहर, सॉलिड स्फीयर के अंदर, सो जितनी भी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं जो कि हमने अभी तक डिस्कस नहीं की हैं, तो वो सारी हम लोग किस तरह से गॉस लॉ के हेल्प से कर सकते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो काफ़ी अच्छा वीडियो आने वाला है, ज़रूर देखिएगा आप लोग. ठीक है, और इस वीडियो को भी अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें.